Hey guys, this is Apoorva and welcome back to my channel Apoorva's Vlogs. So today I'm going to tell you how to cut a watermelon in stylish way. I have half watermelon, so I केवल half ही use की हूँ. So केवल half ही cut कर रही हूँ. तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको. तो पहले मैंने half को एक बार ऐसे half में कर लिया. उसके बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा जब पूरा half हो जाएगा. फिर मैंने इसको एक बार और half कर दिया. तो वो फिर कुछ ऐसा दिखेगा. तो दो बार हाफ करना है हमें. एंड देन हमें फिर इसके जो है बीज को आप निकाल देना. और नहीं निकालना है तो आप किसी मतलब थाली में, प्लेट में या फिर उसमें डाल के आप रख देना. आप चाहो तो जैसे कि आपको बीज से खाने में मज़ा आता है फिर थूकने में, तो आप बीज के बिना निकाले कट कर लेना. और आज मैं बहुत स्टाइलिश वे से कट करने जा रही हूँ. तो बीज हम चाकू से निकालेंगे. मैंने चाकू थोड़ा मतलब वैसा वाला लिया है, कुछ पता नहीं है कि इससे कट होगा कि नहीं. एंड मैं पहली बार कट कर रही हूँ और ये मेरा आइडिया था सिंपलेस्ट वे का कैसे मतलब कट करें. तो इसके बाद हम लोग जो ऐसे हो जाएगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, इसकी जो पूरी आउटलाइन है इससे मतलब ऐसे कट करेंगे. यहाँ से ऐसे पूरा आउटलाइन से कट करेंगे लाइक. पर एक बात और याद रखना है, ये चीज जो होगा इसका बाहर का पार्ट हम यहाँ अंदर का कट करेंगे. तो उसको निकाल के यानी कि बाहर रख लेंगे, बस कट करके उसी में रहने देना है हमें. एंड बहुत ज्यादा मुश्किल काम है. एंड सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होगा वो यही रहेगा. थोड़ा सा मतलब डर तो लगेगा ही कि कैसे कट करें, बट एक दो बार मतलब ऐसे कट करोगे तो आदत बन जाएगी आपकी भी और जैसे मेरी बनी है. आई गाइस, मेरे कट गया है थोड़ा सा, बट अभी खून नहीं निकला. खून निकलेगा तो आपको दिखा दूँ. एंड आफ्टर ऑल ये थोड़ा सा बच गया है तो इसको मैं मतलब ये नहीं कि इसको वो कर लूँगी, मैं इसको मैं निकालूंगी नहीं, इसमें रहने दूंगी. और उसके बाद इसको हमें इसमें ऐसे ही कीप करना है. और एक बात और ध्यान रखनी कि ये मतलब इसको कुछ ना हो, ये ऐसे गिरता है ना, ये ना. बहुत आराम से रखना है और मेरे को तो अभी भी डर लग रहा है. ऐसे रख दिया और फिर हम इसको कट करेंगे ऐसे बीच से, इसे पूरा यहाँ तक कट करेंगे. आप पतली मोटी स्लाइसेस अपने हिसाब से कर लेना. अभी आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको. अब अगर आप चाहो तो ऐसे इसको निकाल निकाल कर सर्व कर दो, ठीक है. एंड अभी दूसरा मेथड भी दिखाऊंगी, दो दो है इसमें. और अगर आपको और भी किसी फ्रूट को कट करने का चाहिए कि हाउ टू कट मतलब कैसे बहुत स्टाइलिश वे में कट करें, तो आप फ्रूट बता देना. बट मैं नेक्स्ट अगर मैंगो ज़्यादा बताऊँगी तो मैं मैंगो का ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे मैंगो बहुत अच्छे से कट करने आता है. तो ये कुछ ऐसे खाली हो जाएगा तो इसका मैं आपको कुछ फ्यूचर यूज़ सोच कर बताऊँगी. तो खैर अभी ऐसे स्लाइसेस में किया था, आप ऐसे करके रख सकते हो. अगर आपको नहीं करना है तो आप क्या करो, जो आपका पूरा है ये लो और देन ऐसे आपने कट किया, उसके बाद इसको ऐसे साइड में कर दो थोड़ा, फिर इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर दो, इसको इधर साइड में करो और इसको इधर साइड में करो. ऐसे ऐसे करते करते आपका हो जाएगा वाटरमेलन रेडी. और ये कुछ इतना सुंदर दिख रहा है गाइस, यू नो अगर आप रियल में ऐसा करोगे तो आपको बहुत सुंदर दिखेगा. एंड जब खाना हो तो इधर से निकाल लो. एंड
किचन में। अगर आप चाहो जैसे कि मतलब आपको हाथ नहीं गंदा करना किचन में काम करते समय कर रहे हो, तो आप टूथपिक एक लगा लो और फिर ऐसे खाते जाओ खाते जाओ। और मुझे अभी अपने पैरेट को भी देना है, मेरा पैरेट मेरे दो पैरेट हैं तो दोनों को मतलब मैंने जोड़ के रखा है, जैसे अगर मान लो खेलना हो, वैसे खासकर लड़ती हैं खेलते बहुत कम है, तो खेलना हो तो ऐसे एक दूसरे के जा सकें। तो अभी वो लड़ रहा था क्योंकि वो थोड़ा कम खाती है मिकी और जॉर्ज थोड़ा ज़्यादा खाता है, तो उसका ख़त्म हो गया था वाटर मैंने सुबह दिया था मिकी का बचा, तो लड़के खा रहे हैं वो खाने नहीं दे रहे उसे, तो अभी मैं उसे दूंगी। तो ये जो मैंने ऐसे स्लाइसेस में कट किया था वाटरमेलन को ऐसे, उसको मैं क्या करूंगी ठीक है, और मेरे को कुछ पता नहीं है कैसे करना है इसको, एक स्क्वायर शेप देना है तो मैं ऐसे इसको कट कर लूंगी कुछ। और मैं एक स्लाइस दे देती हूँ उसे वरना चिल्लाएगा। मैं देकर आती हूँ। तो मैंने दे दिया है, और मैंने इससे पहले भी अपने दोनों पैरेट का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मिक्की और मिनी नाम रखा था, बट वो नाम मैंने चेंज कर दिया, मुझे पता चला कि एक लड़का एक लड़की है, तो मैंने जो लड़की है उसका नाम मिक्की रखा, जो लड़का है उसका नाम जॉर्ज रखा। सो कंप्लीट हो गया, मैं अब डेकोरेट कर दूंगी, तो इसको मैं कुछ ऐसे डेकोरेट कर रही हूँ। अभी मैं डेकोरेट कर ही रही हूँ, हुआ नहीं है ज़्यादा अच्छे से भी कट नहीं हुआ है, सो मतलब जैसे वैसे यूज कर लो यार। और ये मेरा सबसे फेवरेट यहाँ पे रहेगा, हमें बड़ी तो गिर रहा है, वैसे गिर रहा है, मैं कैसे रखूँ उसको, मैंने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दिया, मतलब जिस साइड एक गिर रहा है मैंने थाली में रखा है, तो थाली में जो ऐसे ऐसे ऊपर पार्ट्स होते हैं ये वाले चीज ये वाले, तो मैंने जिस साइड गिर रहा है उस साइड से इसको लगा दिया है। एंड तो गाइस मैंने ज़्यादा कट नहीं किया है, सो मैं आपको खा कर दिखाती हूँ। एंड ये है ना ऐसे, और फिर इसकी मैं एक तो अच्छी वाली शेप की स्लाइस निकालूंगी, मुझे बहुत टेस्टी लगा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको कुछ बोलना हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ जिनको मतलब वाटरमेलन कट करने नहीं आता उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपूर्वास व्लॉग्स। तो एक बार फिर मिलेंगे अपूर्वास व्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।